दिमाग तुम्हारा जो है ये कंप्यूटर है, या आज दुनिया देख के जो कंप्यूटर और मोबाइलें बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, ये आदमी का दिमाग देख के ही बना। आदमी के दिमाग से ज़्यादा स्ट्रोंग कोई दुनिया में चीज़ नहीं है, कोई मजबूत चीज़ नहीं है। पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, नौकरी दिलाई, तुम्हारी शादी करा दी, सब कुछ करा दी। अब आज तुम्हारा ये वक्त आ गया कि तुमको अनाथ आश्रम में रखूँगा, खर्चे नहीं पूरे कर सको, इतनी मुश्किलें ज़िंदगी में तुम्हारे आ गई। चार लड़के थे, तीन लड़के थे, तीनों, बड़ा भाई अगर टेढ़ा चलने लगा तो छोटा भाई बोलता है बड़ा भाई नहीं दे रहे तो हम क्यों दूँ। तीसरे को छोटे वाले को बोलो तो बोलता है मांझी नहीं दे रहे हैं, बड़ा नहीं दे रहे तो हम क्यों दें। एक तो कम से कम सामने आओ कि हाँ माँ बाप है मेरे, पैदा तीनों को बराबर उसने किया, किसी एक को नहीं पैदा किया, तीनों को पैदा किया उसने, तीनों के नखरे उठाए हैं, कपड़े लत्ते धोए हैं, सारा कुछ किए हैं। और जब आज तुम्हारे चार पैसे आने लगे तुम्हारे आगे, तो तुम्हारी बीवियाँ और तुम्हारे बच्चे अब उन्हीं के ऊपर वो आंखें निकालती हैं कि तुम्हें खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो घर से बाहर निकल जाओ। यही पुराने कपड़े हैं, ईद आ गई, बकरीद आ गई, दिवाली आ गई, होली आ गई, यही कपड़े पहनने हैं। सारे लोग तो अपने लिए नए कपड़े पहन लिए, उनके लिए कपड़े कुछ नहीं। ठंडी आ गई, ठंडी में वही पुराने जूते, वही पुराने जैकेट। कल जब तुम बुढ़े होंगे, 4 दिन की है जवानी, फिर वही बुढ़ापा तुम्हारे पास भी आना है। बार बार मैं कहता हूँ जवानी पे इतना गरूर ना करो, कभी आज आना है तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास होगा। तुम भी बुढ़े होंगे, तुम्हारी औलादें तुम पर हुकूमत करेंगी, तो जो चीज़ तुम दिखाओगे वही चीज़ तुम्हारी औलादें तुम पर करेंगी। अगर तुम सही चलोगे तो तुम्हारी औलादें तो सही चलेंगी, अगर तुम नहीं सही चलोगे तुम्हारी औलादें बिगड़ जाएंगी। अगर तुम दूसरे के साथ मजे करते हो, तुम्हारी औलादें देख के तुम्हारे साथ दूसरे के साथ मजा करेंगी। जैसे तरबियत दोगे वैसे ही तुम्हारे साथ चलेंगी। तुम किसी औरत के पास 10 मिनट बैठ जाओ, किसी औरत के पास बैठ जाओ तो तुम औरतों की तरह सोचने लगोगे। 10 मिनट किसी औरत के पास बैठ जाओ तो औरतों की तरह सोचने लगोगे। 10 मिनट किसी बच्चे के पास बैठ जाओ तो बच्चों की तरह सोचने लगोगे। 10 मिनट किसी टीचर के पास बैठ जाओ तो 10 मिनट टीचर जैसा सोचने लगोगे। 10 मिनट तुम किसी बिजनेस के मैन के साथ बैठ जाओगे तो बिजनेस मैन की तरह सोचने लगोगे। 10 मिनट किसी के साथ बैठ जाओ, ज्ञान के साथ में बैठ जाओ, पंडित के साथ बैठ जाओ तो पंडित की तरह सोचने लगोगे। हर 10 मिनट तो तुम्हें सोचना है कि किसके साथ बैठना है। सोहबत बहुत ख़राब चीज़ होती है, संगत बड़ी ख़राब चीज़ होती है। संगत बैठो, अगर किसी पढ़े लिखे के साथ बैठोगे तो तुम अच्छी तुम्हें ज्ञान मिलेंगे, अच्छी समझ मिलेगी। अगर जाहिलों के साथ बैठोगे तो तुम्हें जाहिलियत ही मिलेगी, उससे अच्छा नहीं। कि चोर उचक्कों के साथ बैठोगे तो चोरी ही तुम्हें मिलेगी। गुटखा खाने वाले के साथ बैठोगे तो गुटखा ही खाओगे। सोहबत अख्तियार करो, किसी अच्छे आदमी के साथ बैठो, बिजनेस मैन के साथ बैठो, बिजनेस सीखो। पढ़े लिखे के साथ बैठो, पढ़ाई सीखो। बीबी के साथ बैठोगे तो बीबी वाला ही दिमाग चलेगा, औरतों के साथ बैठोगे तो औरतों वाला दिमाग चलेगा तुम्हारे पास। यदि जो तुम्हारी एक मोबाइल में इतनी महंगी, अभी तो आ गई आईफोन, आ गए 16 आ गए, इतनी महंगी महंगी बिक रही, तुम्हारे दिमाग से ज़्यादा कीमती चीज़ और कोई चीज़ नहीं। तो अपने दिमाग को इस्तेमाल करो, तुम्हारी जो मेमोरी है दिमाग की वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारा कामयाबी लेके आएगा। किसी ने एक ज़माने में साइकिल बनाया तो पहली फर्स्ट टाइम पे, तो आज दूसरे ने नकल करके बड़ी अच्छी साइकिल बना लिया। किसी ने मोटरसाइकिल बनाया छोटी मोटी, तो आज बड़ी VIP मोटरसाइकिल आ गई नकल करके। कोई हीरो होंडा बना रहा है, कोई बुलेट बना रहा है, कोई राजदूत बना रहा है, बड़ी VIP आ गई। जो उस टाइम पे सैंपल बने थे, नमूने बने थे, वो कुछ और थे, आज के कुछ और हैं। अपने अपने माइंड इस्तेमाल करके आदमी और दिमाग इस्तेमाल करके नई नई टेक्निक बनाए जा रहे हैं। प्रोसीजर वही है, तरीकाकार वही है, जो उसने पहले फर्स्ट टाइम पे जो बनाया था, नकल किया था। आज भी पूरी दुनिया उसी की नकल करके बस मॉडल बना देती है, चेंज कर देती है बस। मगर नकल है, मगर नकल में अकल है। तो किसी ज्ञान वाले के पास बैठो तो तुम्हें ज्ञान मिलेगा। किसी अच्छे आदमी के साथ बैठो, सोहबत वाले के साथ बैठो, ना कि तुम किसी बेईमान के साथ बैठो। चार आदमी के साथ बैठोगे तो ज्ञान वाले, तो ज्ञान ही मिलना। तुम्हें सोचना है क्या करना है। किसी ने वो बोलोरो निकाला, किसी ने स्कॉर्पियो बनाया, तरह तरह की गाड़ियाँ आ गई मार्केट के अंदर। मगर जिस टाइम पे, उस टाइम पे गाड़ी निकली थी, जिसने पहले टाइम पे सैंपल बनाया था,
उसका सैंपल देख लो, आज का सैंपल देख लो, हर आदमी अपना माइंड चला के नई नई गाड़ियाँ बना ली है, नई नई मॉडलें बन गई, नई नई टेक्निक बन गई, सेफ्टी हो गया, सहूलत हो गई आने जाने की, मगर है नकल, नकल है, मगर नकल में अकल है, उसने दिमाग में कुछ और लगाया था, ये देखकर दिमाग लगाए कुछ और बना लिए, सारी चीज़ें नकल की हैं, जो फर्स्ट टाइम पे बनाया वो असल है, मगर आज सारी चीज़ें नकल है, ट्रेन किसी ने बनाया आज ट्रेन न जाने कितनी बन गई है, प्रोसीजर सेम वही है,